नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं डॉक्टरों ने सीएम नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले 4 दिनों से तबीयत खराब थी। उनकी कोरोना जाँच कराई गई और अब उनकी जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तबीयत खराब होने की वजह से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे और इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इसके पहले सरकार के कई मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए और यह सूचना आज सवेरे आई है जब मुख्यमंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की है। पिछले 3-4 दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और यही वजह थी कि आप देखिए तो पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री की ओर से कोई कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए गए थे और मुख्यमंत्री ने किसी बैठक में भी भाग नहीं लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान समारोह यानी कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। और इसकी चर्चा मीडिया में और राजनीतिक गलियारे में तेजी से हो रही थी क्योंकि विपक्षी दलों ने एक तरह से निशाना भी साधा था एनडीए गठबंधन पर, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू के नेता बैकफुट पर दिख रहे थे। तो इसी परिस्थिति में आज जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, तो उन्होंने खुद अपना आइसोलेट कर लिया है अपने आप को। तो दूसरी बात, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो भी लोग थे जिन अधिकारियों ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ काम किया है उनकी भी जांच कराई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री के सहयोगी विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जल संसाधन मंत्री संजय झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेसी सिंह पाई गई थी। तो कई मंत्रिमंडल के सहयोगी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको याद होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बारे में भी खबरें आई थी कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिस वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाए। बाद में उनकी जांच कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, निगेटिव हुआ उनका रिपोर्ट आया, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से ये अभी बहुत बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन कोरोना का जो यह संक्रमण का दौर है यह थोड़ा कम खतरनाक है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने अपने आप को एहतियात बरत लिया है और उनके साथ जो अधिकारी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने भी अब एहतियात बरत लिया है। जी जी, शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।